सलाम कबूल कीजिए। बात अब गजलों की तो गहरी सोच के साथ अगर पेशकी में संजीदगी हो तो फिर गजल अंदर तक, मन तक, गहराई तक चली जाती है, बहुत ही रोमानी हो जाती है, यानी कि मन में दूर तक असर होता है गजलों का। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था, इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। निगाहों दिल की यही आखिरी
तमन्ना है निगाहो दिल यही आखिरी दिल की यही आखिरी तमन्ना है निगाहों दिल की यही आखिरी तमन्ना है तुम्हारी जुल्फ के तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम करता चलूं हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं नहीं सही लेकिन अब आ गया हूँ
अब आ गया तो दिन कयाम करता चलूं, अब आ गया तो दिन कयाम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी आप सुन रहे हैं रंगे महफिल सीमा के साथ। छुपी है अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, जरा पढ़ना गजल की ये किताब आहिस्ता आहिस्ता।
रास्ता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। तुम मेरी राखो लाज हरे। हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल। अम्बे चरण कमल है तेरे। शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल। जी हाँ, आकाशवाणी रेडबो पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रंगे महफिल में, और रंगे महफिल में सुरों से सजी इस महफिल में आपके हम सफर में हूँ सीमा। आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है इस घंटे की
पेरिस ओलंपिक 2024 अपडेट्स का। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ऑन आकाशवाणी। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज रात 10:30 यानी 22:30 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऑन गोइंग पेरिस ओलंपिक्स 2024 का आज के दिन का आखिरी आर्ली अपडेट। जी हाँ, दिस अपडेट इज गोइंग टू गिव यू अ रैप अप ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड ऑन डे 3 ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024 एंड ऑल्सो वॉट हैज हैपेंड इंटरनेशनली इन द लास्ट 1 hour। टू सम अप क्विकली वॉट हैज बीन हैपनिंग, द बिग न्यूज ऑफ द डे वुड ऑब्वियसली बी कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, where we did tell you that South Korea went on to win the gold, while along with that we also saw France finishing on the second spot to secure a silver, which is, we are talking of the archery men's team event that happened. And finally in the third spot was Turkey, who had to settle over there. India got defeated in their bronze medal fight against Turkey and was ousted, as a result of which Turkey moved on and went on to secure a bronze medal for themselves. I'm Sakshi Mandwal. Joining me over here in this update will be my dear friend for the evening, Ajay Tomar. Good evening, Ajay. Good evening, Sakshi. Aur jis tarah se aapne bataya ki भारतीय टीम, भारतीय तीरंदाजी टीम स्पेशली हार गई थी टर्की से, और टर्की ने बाद में जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता, और भारतीय तीरंदाजी टीम के खिलाड़ी धीरज बोमदेवरा ने मैच के बाद, हालांकि टीम हार गई है, लेकिन मैच के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था विंड का, पर सभी के लिए वो सेमी है, एंड उसमें हम लोग नहीं कर पाए, एंड मैं नहीं कर पाया स्पेसिफिकली, और हम लोग ऑफकोर्स हारे, इट्स बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, पर अभी इधर रुकेंगे नहीं हम लोग, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है तो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। प्रैक्टिस ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, सेम कंडीशंस था, और इस बीच में थोड़ा सा वेदर चेंजेस हुआ, पर आज सेम थोड़ा हॉट था, सेम रैंकिंग देखा जैसे, एंड बदलाव तो सेम ही है, बस नहीं कर पाया तो अभी विल गिव अप। निराशा जरूर है, लेकिन कहीं से भी हौसले कम नहीं हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, भारतीय खिलाड़ी जो हैं तीरंदाजी के बहुत अच्छे हैं और दोबारा कमबैक करेंगे, और निश्चित तौर पर अभी भी उन्हें उम्मीद है कि वो एक बहुत यादगार ओलंपिक इस बार वो साबित करके रहेंगे। राइट, एंड वी व्हेन वी आल्सो हर्ड ओवर देयर बोमदेवरा टेकिंग समवेयर अ मेजर चंक ऑफ द ओनर्स ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑन हिज ओन शोल्डर्स, दैट वाज सोली बिकॉज इन द फाइनल सेट जाधव, वी आर टॉकिंग ऑफ हियर ऑफ प्रवीण जाधव हु शॉट 2 10s, बट बोमदेवरा अ 2-time वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हिट ओनली अ 7 इन द टीम्स फाइनल अटेम्प्ट। सो मेटेगजोस द रेनिंग ओलंपिक इंडिविजुअल चैंपियन फॉलोड विद अ 10 एज टर्की वन द 4th set 58-54, and as a result Indians lost because the Indian trio were outscored in the first two sets 57-53 and 55-52. Now the third set the Indian trio made a comeback 58-54, and in the fourth set is where we finally lost the plot. Had we been able to win the fourth set, it would have been a very different story maybe, which is the reason we somewhere saw Bombadevara taking onus of the responsibility on himself, but at the end of the day it was a team event and equal contributions from all the archers mattered, and what did not go our way did not go away, but we still have a long way to go. Moving on to the other big news of the day would be that Indian men's double pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty booked their place in the quarterfinals of the Paris Olympics 2024. The Indian duo have been confirmed a spot in the top 8 following Lucas Corvey and Ronan Labar's defeat against Mohammad Rian Ardianto and Fahar Alfian in Group C earlier today, and as a result automatically our Indian duo of Sattvik Chirag qualified for the quarterfinals of the Paris Olympics. बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी खेले हैं, और लक्ष्य सेन ने आज शानदार जीत दर्ज की है, उसके बाद ये खबर भी आ गई है कि अब भारतीय टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, और जिस तरह से दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, सात्विक चिराग दोनों खेल रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है, और कल उनका मुकाबला होगा भारतीय समय अनुसार 5:30 शाम को, और उस समय उनका मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है, और अगर वो जीतेंगे तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, तो और भी नजदीक हो जाएंगे पदक के।
राइट एंड नाउ लेट्स मूव ऑन. अभी आपको यहाँ पर अजय ने बताया द गुड न्यूज दैट लक्ष्य सेन पास्ड हिज बेल्जियन चैलेंज. ही हैड टू गो थ्रू एन अर्ली हर्डल इन ओलंपिक्स दिस ईयर बिकॉज द फर्स्ट मैच दैट ही हैड वन आफ्टर ऑल दैट हार्ड वर्क स्टूड टू बी कॉल्ड ऑफ एंड द वीडियो ऑफ इट ऑल्सो वॉज डिलीटेड बिकॉज हिज ओपोनेंट चूज टू विदड्रॉ फ्रॉम द टूर्नामेंट ओनिंग अप टू द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट फिजिकली फिट. एंड एज अ रिजल्ट लक्ष्य सेन रीस्टार्टेड ऑलमोस्ट हिज टूर्नामेंट टुडे फ्रॉम द बेस एंड वेंट ऑन टू विन दैट गेम. गुड न्यूज फॉर ऑल द Indian fans out there of badminton because he won it in straight sets 21-19, 21-14, thereby winning the entire match. And hockey also, India was able to draw their match against Argentina 1-1. And finally, if you had to look at overall how the day went for India on the third day of the Paris Olympics 2024, then we could say that this was a mixed day for the Indians. And here's hoping that tomorrow, which is the fourth day when the live action of the ongoing Paris Olympics will be happening tomorrow, we hope that the Indian representation and performance turns out to be a happier, much more fulfilling day for all the Indian fans. बिल्कुल सही कहा. और अब ये भी बता देते हैं कि पदक तालिका क्या है और उसमें अभी चीन सबसे ऊपर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान. ये तीन जो कंट्रीज हैं ये इस समय पदक तालिका में सबसे ऊपर हैं. Yes, and that is all that we had in this update, which was also the last early update of the day today. For the moment, it's me, Sakshi Mandwal, and my dear friend Ajay Tomar saying a good night to all you lovely people. But do not forget to tune in tomorrow back on FM Rainbow for all the live updates, for the live commentary of a lot of matches, as we'll bring you the fourth day of the live action of the Paris Olympics 2024. Tonight, you should also be witnessing at 12:30 a.m., which would be 00:30 hours Indian Standard Time, table tennis match in which Manika Batra is going to be in action against her French opponent. For now, let's take you all back to the live action on FM Rainbow. It's me, Sakshi Mandwal, and Ajay Tomar saying goodbye and good night. So, abhi aapne suni Paris Olympic 2024 updates. आकाशवाणी. जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रंगे महफिल में. और इस सफर में आपके हम सफर, आपके दिल की आवाज, मैं सीमा रहूंगी आपके साथ. हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आंख छुपा दी जाए जैसे. सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई. मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके
खुद पे मरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना रोग लगा। सच पूछो तो मेरी वजह से उसको ऐसा रोग लगा। काजल मेहंदी कंगन बिंदिया, काजल मेहंदी कंगन बिंदिया से सबर ना भूल गई, चुपके चुपके से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथ है कि पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस की यातना की संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही सीमित है। BNSS के तहत लागू 60 से 90 दिनों की कुल अवधि में से 40 और 60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है। पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की ही तरह बरकरार रखा गया है। अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी की जमानत में बाधा नहीं बनेगी। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक।
रेनबो 102.6 पर। सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब, आहिस्ता आहिस्ता शब फुरकत का जागा फरिश्तों अब तो सोने दो, शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुरसत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूँ बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूँ से हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं, और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से, कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें, ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें
जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। रंगे महफिल सुन रहे हैं आप मेरे अनिसीमा के साथ और इसमें सुन रहे हैं जगजीत सिंह जी की मखमली आवाज़ में। अगर उनके गज़लों की बात करें तो प्रेम और उसके सारे भावों को बहुत ही लंबा आयाम देते हैं वो अपने गज़लों में। प्रेम की बात हो, गम और दुख के बयार की बात हो, तो उनकी गज़लों का कोई तोड़ नहीं। तो जगजीत सिंह जी के मखमली आवाज में ये एक और गजल आपके पेश नजर। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं।
लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज चली, बहुत तेज चली हो जैसी। घड़ी ने इशारा कर दिया है कि यहाँ पर समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए इजाजत से माशाजी को, टाटा बाय बाय। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, इस तरह सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में तभी जागते जागते कटी हो जैसी, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे।